ही पड़ेगा। चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका नेट एसेट मेथड यूज किया तो यू हैव टू डिस्चार्ज द पीसी। नेट एसेट में जो भी पीसी आ रहेगा उसको आपको डिस्चार्ज करना ही है बेटा, राइट है। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया भी था नेट एसेट। फिर एक्चुअली इस सम में तो पीसी डायरेक्टली दिया 1.2 crores, दिस सम पीसी इज गिवन डायरेक्टली, दैट इज 1.2 crores। देखो हमने लास्ट लेक्चर में देखो ये दिख रहा है नेट एसेट आया था अपना, ठीक है, ये नेट एसेट आया था 90 lakhs और 60 lakhs और टोटल मिला के 1 crore 50, बट क्वेश्चन में पीसी डायरेक्टली दिया 1.2 crores और नेट एसेट आया अपना 1.5 crores, तो जो डिफरेंस हुआ पीसी कम दिया ना, तो दैट इज व्हाट कैपिटल रिजर्व, ठीक है, तो वो जर्नल एंट्री के टाइम पे एडजस्ट करेंगे हम लोग और बैलेंस शीट में दिखाएंगे, राइट। अब पीसी कितना आया फाइनली, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही आपको 1.2 crores, तो आ जाओ 1.2 crores का अपने को क्या करना बेटा, डिस्चार्ज करना है, आ जाओ। So, और बोला क्या है 1.2 crores कैसे देना अपने को, सी इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट आपको डिस्चार्ज कैसे करना है पीसी। सी ये जरा सेंटेंस, सेकंड वाला सेंटेंस जरा ध्यान से रीड करना, द बिजनेस ऑफ बोथ कंपनीज वर टेकन ओवर फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 1.2 crores, 1.2 crores में लिखे गया है टोटल प्राइस, दैट इज परचेस कंसिडरेशन टू बी डिस्चार्ज बाय जेड लिमिटेड, to be discharged by what bada Z Limited by issue of equity share of 100 each. Kya kar raha bada? New company issue kya kar raha hai? Equity shares of rupees 100 each. Face value hai uska 100. Aur at a premium of 20%. At a premium of what? 20%. Matlab kya ho gaya? 100 aur 20% ka premium. Matlab issue price kitna ho gaya? 120. Yaad rakhna 120. Thik hai? Ye dimag mein rakhna. Iska apne ko use karna bata. Okay? Chalo. Now see, आजा। So discharge of PC में for equity shareholders, अब for equity shareholder में सबसे पहले अपना X limited को दे दो। देखो X limited का आपका purchase consideration कितना आया था? तो देखा था 1 crore, देखो 1 crore 20 lakhs था, कितना था बड़ा 1 crore 20 lakhs। PC अपना कितना है 1 crore 20 lakhs है, याद रखो, दिया ना directly question में। और वो 1 crore 20 lakhs का आपने बाइफरकेशन भी किया था लास्ट लेक्चर में, तो बाइफरकेशन करने के बाद आपको कितना मिला था 72 lakhs एक्स लिमिटेड का, और वाई लिमिटेड का था कितना बेटा 48 lakhs, ठीक है, जो कि आपने बाइफरकेशन लास्ट लेक्चर में किया, ठीक है, चलो 72 lakhs। अब 72 lakhs देना क्या है, ये 72 lakhs कैसे देना है अपने को एक्स लिमिटेड को, जो परचेजिंग कंपनी है कैसे पीसी सेटल करेगा, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो कितना इक्विटी शेयर इशू करेगा, तो इधर हम लोग नंबर्स के लिए स्पेस लीव करते हैं बेटा, कॉमा इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 100 ईच है, 100 का बट इट इशूड एट 120, 100 ईच इशूड एट 120 प्रीमियम में इशू किया ना बेटा, 20% प्रीमियम है, सो व्हाट डज इट मीन, 100 प्लस 20 तो 120 हो जाएगा, दैट्स इट, बराबर। चलो अब देखो कितना नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, 72 लाख है और इशू प्राइस इज व्हाट, इशू प्राइस इज 120, सो डिवाइड कर लो 72 लाख को 120 से डिवाइड करो, कितना नंबर ऑफ शेयर्स आएगा बताओ, यस वेरी गुड, 60,000, ये 60,000 इधर दिखा देने का, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 120, दैट्स इट, डन। मतलब जेड कंपनी जो जेड लिमिटेड है परचेजिंग कंपनी, वो वेंडर कंपनी एक्स को 60,000 इक्विटी शेयर इशू करेगा फॉर सेटलमेंट ऑफ पीसी, दैट्स इट, फॉर डिस्चार्ज ऑफ पीसी, बराबर है। तो 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इशूड एट 120, दैट्स इट, हो गया बराबर। किसी को इसमें डाउट है तो बोलो, इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट, चैट बॉक्स में देख रहा हूं। देखो सब किया है लास्ट लेक्चर में, उसी के बेस पे कंटिन्यू है, क्लियर 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 क्लियर, ओके ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते। फिर अभी क्या आएगा बेटा, सेकंड वन वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड का कितना बेटा, वाई लिमिटेड का 48 lakhs है, उसका पीसी कितना था, देखो 1 crore 20 lakhs को आपने रेशो में बाइफरकेट किया था नेट एसेट के रेशो में,
9:6 तो 72 लैक्स और 48 लैक्स है, वाई लिमिटेड का 48 लैक्स था। चलो वाई लिमिटेड को सेट ऑफ कर, उसका डिस्चार्ज करते हैं पीसी, नंबर्स के लिए स्पेस लीव करते हैं, देन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इशूड एट 120, that's it. So 48 lakh divided by 120 crore. So number of equity share is what? Yes, 40,000. So 40,000 equity share of rupees 100 each issued at 120. That's it. Done. Ho gaya discharge of PC done. Barabar. Haan beta, last lecture ka upload karunga main. Iska upload karunga, don't worry. Last lecture wala hi bol raha na, upload karunga, don't worry. Dono saath mein karunga. पहले वाले सम का अपलोड किया है वो रेफर कर सकते हैं, जो इसके पहले वाला सम था ना वो अपलोड कर दिया। चलो ओके डन। ओके तो ये इक्विटी शेयर होल्डर का सेटलमेंट हो गया, डिस्चार्ज ऑफ पीसी डन। बस अभी टोटलिंग कर लो, टोटलिंग मतलब क्या, वो तो कॉमन है ना यार, 72 लाख और 48 लाख। ठीक है, ये हो गया डिस्चार्ज ऑफ पीसी भी अपना डन। तो नेट एसेट मेथड कभी भी यूज करेगा तो नेट एसेट में पहले जो भी है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी नेट एसेट आएगा, उसके बेसिस पे जो भी पीसी दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो नेट एसेट ही पीसी हो जाएगा, राइट। तो नेट एसेट मेथड अगर आपने यूज किया है तो यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू यूज डिस्चार्ज ऑफ पीसी ऑल्सो, मीन्स यू हैव टू कंटिन्यू विद द डिस्चार्ज ऑफ पीसी ऑल्सो। नेट एसेट आया जो भी, उसके बाद आपको डिस्चार्ज ऑफ पीसी करना ही है, सेटलमेंट ऑफ पीसी मस्ट बी देयर, राइट है, कि क्या दिया फिर? जो भी पीसी आया उसके लिए जेड कंपनी ने, जेड लिमिटेड ने क्या दिया उनको, इक्विटी दिया, प्रेफरेंस दिया, कैश दिया, व्हाटएवर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट डिस्चार्ज ऑफ पीसी, ये फिक्स है आपका, बराबर है। और नेट पेमेंट मेथड तो वो तो डायरेक्टली डिस्चार्ज हो जाता है उधर, तो उधर तो कोई टेंशन नहीं है, उधर एक ही भरना है, बट नेट एसेट मेथड में एसेट्स माइनस लायबिलिटीज भी करना है, फिर डिस्चार्ज ऑफ पीसी भी आएगा, याद रखना। ये हो गया अपना डिस्चार्ज ऑफ पीसी डन। नाउ अब क्या बोला है क्वेश्चन में अपने को, न्यू कंपनी दैट इज परचेजिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करना है। सो लेट्स बिगिन विद द जर्नल एंट्री। सी नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी कौन है बेटा, जेड लिमिटेड ना, उसके बुक में जर्नल एंट्री पास करना है। तो जर्नल एंट्री लास्ट सम में भी आपने किया था, सबसे पहले परचेजिंग कंपनी की बुक में अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो पहली एंट्री क्या होगी, बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर्स, ठीक है। तो कौन है लिक्विडेटर इधर, एक्स एंड वाई, तो आ जाओ, तो बिजनेस परचेज मतलब लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। यहाँ लिक्विडेटर कौन है, ऑफ एक्स लिमिटेड का लिक्विडेटर और वाई लिमिटेड का लिक्विडेटर, ठीक है। सो बिजनेस परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, और पूरा बिजनेस आपने परचेस कितने में किया है, सेट लिमिटेड परचेसिंग कंपनी ने पूरा बिजनेस परचेस किया है 1 crore 20 lakhs। सो बिजनेस परचेस है 1 crore 20 lakhs, राइट। बिजनेस परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू टू लिक्विडेटर ऑफ, पहला लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड और टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स टू लिक्विडेटर ऑफ वाई, ठीक है। अब ये दिस 1 crore 20 lakhs has been bifurcated in the ratio of what, 9:6, the ratio of what, 9:6, तो आपने bifurcated किया ही था पीसी में, तो पीसी का ही देख लेने का डायरेक्टली, कितना था 72 lakhs and 48 lakhs, that's it, simple narration दिखा देने का एग्जाम में, बीइंग वर्ड डाल के अपना जो क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट में समरी फॉर्म में दिखा देने की, क्या बीइंग द परचेज ऑफ बिजनेस एज पर एग्रीमेंट डेटेड डैश डैश डैश, डेट तो दिया नहीं है इसे डैश डैश, वो तो अपने ऑनवर्ड्स में दिखा देने का, बट रहना चाहिए नरेशन याद रखो, ठीक है।
अगर क्वेश्चन में बोला नरेशन नॉट रिक्वायर्ड देन ओनली यू हैव यू डोंट हैव टू शो दैट्स इट अदरवाइज यू हैव टू शो अदरवाइज नरेशन इज कंपलसरी याद रखो सो द फर्स्ट एंट्री इज व्हाट बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड नाउ द नेक्स्ट एंट्री आफ्टर दैट सेकेंड एंट्री विल बी व्हाट Yes, you have passed first entry that is business purchase to liquidator of what X and Y. Now, अब आपने क्या किया रहेगा? दोनों कंपनी का asset और liability लेके settlement किया है. So चलो पहले X limited का आपने क्या लिया रहेगा? Assets and liabilities. तो X limited का assets account will be debited, liabilities account will be credited. ठीक है? तो entry pass करो पहले X limited का. तो अब ये asset और liability देखने के लिए आप PC में चले जाओ जो आपने PC बना है. ये देखो इधर दिखा रहा हूँ. ये देखो अब ये पीसी में आपको सारे एसेट दिख रहे बेटा यू कैन सी हियर यहां जितने भी एसेट है बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स बैंक बराबर एक्स लिमिटेड की और लाइबिलिटीज में क्या है डिबेंचर्स है और क्या है बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स ये दोनों बोथ आर लाइबिलिटीज ठीक है क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स तो आ जाओ लाइन बाय लाइन उसको पास करो एंट्री सो क्या क्या लिया है तो याद रखना परचेजिंग कंपनी के बुक में आ रहे हो परचेजिंग कंपनी के बुक में एंट्री पास कर रहे हो तो जो पीसी है अपना नेट एसेट बनाया ना आपने बराबर पीसी के लिए नेट एसेट किया है वही नेट एसेट का वैल्यू इधर दिखा देना है आपको फर्स्ट एक्स लिमिटेड का तो एक्स लिमिटेड का फर्स्ट असेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड है तो मींस बिल्डिंग असेट्स में क्या क्या है आपने असेट्स में क्या क्या टेकन ओवर किया है सारे असेट्स दिखा दो बिल्डिंग लिया 28 लाख का राइट देन आपने मशीनरी लिया आपने मशीनरी अकाउंट डेबिट दैट इज 31,50,000 इट्स अ विविध प्रिंसिपल इट्स क्लियर सिंपल याद रखो असेट्स और टू आउटसाइड लाइबिलिटीज सिंपल सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट देन स्टॉक अकाउंट डेबिट स्टॉक कितने का 25,50,000 राइट आफ्टर स्टॉक डेटर इज देयर डेटर्स अकाउंट डेबिट सो डेटर इज व्हाट 9 lakhs आफ्टर दैट बैंक अकाउंट has been debited by rupees 7 lakhs. बराबर that's it. Assets आ गया. फिर है ना एक लाइन का स्पेस लीव कर देने का कि अगर बैलेंस गुडविल आ गया तो गुडविल तो आएगा ही नहीं क्योंकि आपने पीसी में ही देख लिया नेट असेट आया था 1.5 crores और पीसी आप सेटल कर रहे हो मतलब पीसी दे रहे हो 1.2 crores राइट तो नेट असेट 1.5 और पीसी कंपनी दे रहा है कितना जेड लिमिटेड 1.2 तो कम दे रहा है ना जेड लिमिटेड कम दे रहा है बेटा वेंडर्स को तो जेड लिमिटेड के लिए क्या होगा कैपिटल रिजर्व होगा ना तो गुडविल तो सवाल ही नहीं उठता तो वन लाइन लीव करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी डायरेक्टली नहीं समझेगा किसी को तो एक लाइन छोड़ देने का क्या टेंशन है बराबर है मालूम पड़ा कि नहीं एक लाइन इसीलिए आप लीव करते हो ताकि बाद में क्रेडिट का आइटम डाला क्रेडिट ज्यादा आया तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा डेबिट पे और वो बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रीटेड एज गुडविल बराबर फिलहाल इधर गुडविल आएगा नहीं क्योंकि डायरेक्टली पता है नेट एसेट 1.5 है बट पीसी जो सेटल किया है डायरेक्टली दिया 1.2 crores है तो भाई डिफरेंस आपका कैपिटल रिजर्व आ रहा है गुडविल आएगा ही नहीं तो मैं लाइन इधर लीव नहीं कर रहा हूँ फिलहाल क्योंकि पता है डायरेक्टली कि गुडविल नहीं आने वाला है टू अभी लाइबिलिटीज में क्या लिया डिबेंचर्स लिया था बेटा एक्स लिमिटेड का 12% को इधर डिबेंचर्स 12 डिबेंचर्स है 4,50,000 और फिर क्रेडिटर्स है 6,50,000 तो आ जाओ सो टू डिबेंचर्स डिबेंचर्स कितना था वैसे क्वेश्चन में देखोगे तो 12% डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड दैट इज 4,50,000 राइट 12% debenture of X limited 4,50,000 then to sundry creditors
sundry creditors, that is what, 6,50,000. Sundry creditors is 6,50,000. Then two business purchase. अब ये हो गया देखो, assets debited, liabilities outside liability credited. उसके बाद ये जो business purchase debit हुआ है उसको credit कर दो. Asset और liability ले लिया. Now business purchase जो आपका ऊपर debit हुआ है उसको नीचे credit कर दो. तो business purchase account, बराबर है? Business purchase. तो business purchase में आपका ये बिजनेस परचेस किसका देख रहे हो आप? एक्स लिमिटेड का. तो बिजनेस परचेस में एक्स लिमिटेड का अमाउंट है 72 लाख. तो वो 72 लाख दिखाना. बिजनेस परचेस का मत लिख देना 1 करोड़ 20. 1 करोड़ 20 में तो दोनों का है ना बेटा, बोथ कंपनीज बोथ वेंडर फर्म्स अमाउंट इज इंक्लूडेड हियर. सो वी हैव टू शो ओनली व्हाट एक्स लिमिटेड, दैट इज 72 लाख, क्योंकि एक्स का ही सेटलमेंट हो रहा है ना. एसेट और लायबिलिटी एक्स का ही लेके जा रहे हो ना आप. दैट्स इट. चलो हो गया डन. तो 72 लाख बराबर है. 72 लाख अब टैली करो, हो जाएगा ना. तो टोटल करो, असेट्स का डेबिट, लाइबिलिटीज का क्रेडिट. टोटल देखो कौन सा साइड ज्यादा है. तो डेबिट ही ज्यादा है, मतलब बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा क्रेडिट में. इधर आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा और क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आया तो दैट इज नोन एज व्हाट, कैपिटल रिजर्व. दैट विल बी रेफर्ड एज कैपिटल सॉरी रिजर्व अकाउंट. ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हो आप. बैलेंसिंग फिगर तो कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर 18 लाख. शाबाश बेटा, वेरी गुड. 18 लाख विल बी द बैलेंसिंग फिगर. परफेक्ट, वेल डन. चलो आगे, 18 लाख बैलेंसिंग फिगर, सिंपल. और आपको पता है कैपिटल रिजर्व कितना आया था? देखो जब पीसी कर रहे थे हम लोग, 1.5 करोड़ का नेट एसेट, पीसी सेटलमेंट 1.2 करोड़, तो डिफरेंस कितना? 30 लाख. अब बेटा 30 लाख में 18 लाख तो इसका आ गया, एक्स लिमिटेड का बचा कितना? 12 लाख. 12 लाख वाई लिमिटेड में आ जाएगा. दैट्स इट. दोनों में कैपिटल रिजर्व आएगा. सिंपल सा ट्रिक, समझे कि नहीं? बट उतना सिंपल ट्रिक नहीं लगेगा तो टेंशन नहीं लेने का, अपना सॉल्व करने का. ये हो गया एसेट और लाइब्रेरी. चलो अभी सेटलमेंट करेंगे, पीसी का सेटलमेंट. ये भी हो गया. नेक्स्ट, अब भाई पीसी हो गया, एसेट लाइब्रेरी लिया तो पीसी सेटल तो करोगे. पीसी कैसे डिस्चार्ज किया आपने? इक्विटी शेयर इशू किया दोनों को. तो पहले एक्स लिमिटेड का देख रहे ना हम लोग, एक्स लिमिटेड का एसेट और लाइब्रेरी हो गया. अब एक्स लिमिटेड को सेटलमेंट करना, तो सेटलमेंट करने के लिए आपने क्या किया है? यस, आपने इशू किया है उसको इक्विटी शेयर. सो आ जाओ. So the next entry, come on. Third entry. अब बेटा आप इशू कर रहे हो लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड को, एक्स को. हाँ, तो इधर लिक्विडेटर क्रेडिट था. नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा बेटा? जब उसको सेटलमेंट कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो, तो ये लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड रिसीवर हो गए, तो उनको डेबिट करो. सेटलमेंट हो रहा है इनका. लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, बराबर है? लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड. यस, परफेक्ट बेटा. सो एक्स लिमिटेड डेबिट, जरा देखो एक्स लिमिटेड को कितना देना बेटा? 72 लाख सेटलमेंट करना है. 72 लाख लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड 72 लाख. टू इशू क्या किया आपने? इक्विटी शेयर कैपिटल. ये देखो ना, आपने डिस्चार्ज कैसे किया? एक्स को इक्विटी शेयर इशू किया है, 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, वो भी प्रीमियम में इशूड एट 120, मतलब 20 रुपीज का प्रीमियम है. तो प्रीमियम में इशू करेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, याद रखो. इशू एट प्रीमियम हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज देयर. सो पहले तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बच्चा इक्विटी शेयर कैपिटल में एज यू ऑल नो फेस वैल्यू ही आएगा, तो नंबर कितना है? 60,000 इक्विटी शेयर आपने इशू किया है. ये देखो 60,000. सो इशूड 60,000 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू इज व्हाट? 100. सो कितना हो गया? 60 लाख.
इट इज वर्थ बेटा 60 लाख्स, गॉट इट। चलो 60 लाख्स हो गया। अप टू क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम, भाई 20 रुपीज का प्रीमियम भी लिया ना, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दैट इज 60,000 इंटू कितना एक्स्ट्रा लिया 20 रुपीज, तो 60,000 इंटू 20 दैट इज 12 लाख्स, दैट्स इट, हो गया डन, बराबर डन एंट्री एवरीवन, किसी का बाकी है तो कर लो फटाफट, डू इट फास्ट, गॉट इट, सिंपल जो स्टेप है वही स्टेप फॉलो करना, डू इट फास्ट, हो गया। लिक्विड ड्रॉप एक्स लिमिटेड को सेटल कर दिया, पीछे डिस्चार्ज करने की एंट्री पास कर दी। अब बेटा एक्स लिमिटेड का डिबेंचर्स, मैंने क्या बताया डिबेंचर्स और शेयर का सेटलमेंट अलग अलग होगा, अब डिबेंचर का सेटलमेंट करो आ जाओ, सो डिबेंचर्स के लिए आ जाओ, कॉमन सी बात है, आप जो वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर है उनका भी सेटल करोगे, उनको भी सेटलमेंट करोगे, सो अब उनको कैसे सेटलमेंट किया आपने, ये देखो डिबेंचर होल्डर को सेटलमेंट कैसे किया, सी The debenture of both the companies to be converted into equivalent number of 14% debenture. मतलब नया कितना दे रहे हो आप 14% debenture, मतलब new 14% debenture है, मतलब new liability होगी 14% debenture और liability का credit balance fix है, तो new 14% debenture आपका credit हो जाएगा, ये तो पक्का है, of rupees 100 each in Z Limited at a discount of 10%. तो new 14% debenture आपका fix है, वो 100 होगा। चलो X Limited की बात कर रहे हैं, X Limited इधर है, नंबर सेम बोला है इक्विवेलेंट नंबर, तो 5 लाख डिवाइड बाय 100 मतलब 50,000, तो नंबर है 50,000 डिबेंचर, और भाई अगर डिबेंचर दिखा रहे हो तो डिबेंचर्स में भी सिर्फ फेस वैल्यू ही आएगा, सो 50,000 देख रहे हो किधर है, नहीं सॉरी 5,000 100 है ना फेस वैल्यू, सो 5,000 इंटू 100 5 लाख तो आएगा ही, बट आपने क्या किया है उसको डिस्काउंट में इशू किया, तो डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस होता है बस, बराबर है, तो कैसे दिखाना है इसको, आ जाओ एंट्री में, हाउ टू प्रेजेंट इट। तो पहली बात तो आपको यह मालूम पड़ना चाहिए कि भाई डिबेंचर आपकी लायबिलिटी है, तो न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो रही है 14% डिबेंचर, पहले 12% था, अब न्यू कंपनी परचेसिंग कंपनी 14% डिबेंचर्स दे रही, तो 14% की लायबिलिटी, सो लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस, और डिबेंचर में हमेशा कितना इक्विवेलेंट नंबर बोला, मतलब 5,000 जो सेम है पहले था वही रहेगा इनटू, और इधर डिबेंचर हो या शेयर कैपिटल हो उसके सामने तो फेस वैल्यू आएगा, सो 14% डिबेंचर्स, इधर फेस वैल्यू 100 है, तो मतलब ये तो 5 लाख हो गया, ये तो फिक्स है, बट आपको बोला है कि डिस्काउंट में हमने दिया डिस्काउंट, बराबर है, ये देखो क्या दिया इधर, इट इज गिवन दैट डिबेंचर ऑफ बोथ द कंपनीज टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर, तो इक्विवेलेंट नंबर होता 5,000 ही हो गया, और 14% डिबेंचर इशू किया तो लाइब्रेरी 14% डिबेंचर 100 ईच का इन जेड लिमिटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब डिस्काउंट दिया बेटा न्यू कंपनी ने, तो डिस्काउंट हुआ तो लॉस हो गया कंपनी का, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, तो इधर दिखा देना डिस्काउंट ऑन, देखो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने के लिए नीचे से ऊपर पास कर रहा हूं बस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो गया आपका, चलो कितना डिबेंचर्स है 5,000 डिबेंचर, डिस्काउंट कितना दिया आपने 10%, तो 100 है, 100 का 10% होता है 10 रुपीज का डिस्काउंट है, तो कितना हो गया 50,000, बराबर है, या फिर आप इधर से भी कर सकते हो 5 लाख का 10% 50,000, बराबर, और सेटलमेंट क्या हुआ आपका पुराना 12% डिबेंचर्स, 12% जो डिबेंचर्स था एक्स लिमिटेड का, 12% डिबेंचर्स इन व्हाट बेटा सॉरी ऑफ एक्स लिमिटेड, 12% डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, तो 50,000 का डिस्काउंट हो तो बचा कितना 4,50,000, तो आ गया ना बेटा अभी 4,50,000 और ये 50 का डिस्काउंट, टोटल इशू किया आपने 14% डिबेंचर
5 लाख फेस वैल्यू का, अच्छा बस हो गया बराबर। और देखो ना आप इधर देखो, डिबेंचर्स लेके भी गया 4,50,000 में न्यू कंपनी, फाइनली न्यू कंपनी ने उसको फेस वैल्यू पे ही इशू किया, तो फेस वैल्यू पे इशू किया तो एंट्री आ गई ना, फेस वैल्यू पे इशू किया तो 14% डिबेंचर 5,000 × 100 दैट इज 5 लाख, तो न्यू कंपनी को 50,000 का लॉस हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट दे दिया ना बराबर, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट ऑन इश्योर डिबेंचर्स, ठीक है। और न्यू कंपनी ने वो डिबेंचर लिया कितने में था, एक्स लिमिटेड का 4,50,000, टेकन वैल्यू क्या है, टेकन ओवर वैल्यू 4,50,000 है, दैट्स इट। सो 12% डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड का सेटलमेंट कर रहा है, 12% डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट दे दिया 50,000 का, और न्यू डिबेंचर, नया डिबेंचर परचेसिंग कंपनी ने इशू किया है 14% डिबेंचर फेस वैल्यू का ही, तो फेस वैल्यू 100 ही है और इक्विवेलेंट नंबर है, तो 5 लाख, दैट्स इट। तो इसमें कंपनी का लॉस, जो परचेसिंग कंपनी का लॉस है वो डिस्काउंट का लॉस हो रहा है, दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ा, क्योंकि टेकन ओवर वैल्यू कितनी है 4,50,000, बट फाइनली जब इशू किया तो 5 लाख पूरा दिया, 5 लाख का डिबेंचर, मतलब फेस वैल्यू 100 के हिसाब से, दैट्स इट। तो ये पूरा सेटलमेंट अपना किसका हो गया बेटा, ये पूरा एंट्री हो गया एक्स लिमिटेड का। अभी सेम आपको कंटिन्यू करना है किसका, वाई लिमिटेड, बराबर है, सेम एक वेंडर फर्म का, एक वेंडर कंपनी का कंप्लीट हो गया एंट्री, फिर नेक्स्ट वाई लिमिटेड का, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, गॉट इट क्लियर।